किसी भी बीमारी की आयुर्वेदिक चिकित्सा या हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल आयुर्वेदिक समाधान को सब्सक्राइब जरूर करें। मूत्र यानी पेशाब में जलन। इलायची को पीसकर दूध के साथ लेने से पेशाब खुलकर आता है और मूत्रदाह बंद हो जाता है। 5 ग्राम प्याज बारीक काटकर आधा किलो पानी में उबालें। आधा पानी रह जाने पर छान कर ठंडा करके पिलाएं। इससे पेशाब की जलन दूर होगी। इसबगोल को भिगोकर उसमें बूरा डालकर पीने से पेशाब की जलन मिट जाती है। पेशाब में जलन होने पर तुलसी की पत्ती चबाने से लाभ होता है। ओस में रखे हुए तरबूज का रस निकालकर सुबह शक्कर मिलाकर पीने से पेशाब की जलन में लाभ होता है। 15 ग्राम धनिया रात को पानी में भिगो दें। सुबह उसे ठंडाई की तरह पीसकर और छानकर मिश्री मिलाकर पिए। इससे पेशाब की जलन दूर होगी और वासना नहीं सताएगी। धनिया और आंवला कूटकर और पीसकर छान लें। यदि कब्ज हो तो रात को सोते समय 2 चम्मच इसबगोल की भूसी गर्म दूध से लें। इससे मूत्राशय की जलन ठीक हो जाती है। हरे आंवले का रस 60 ग्राम, शहद 30 ग्राम दोनों को मिलाकर दिन में 3 बार पिए। यह 1 मात्रा है। ऐसी 3 मात्रा लें। इससे पेशाब खुल कर आएगा, जलन और कब्ज ठीक होगा। अनार का शरबत पेशाब की जलन मिटाता है। फालसा पेशाब की जलन को दूर करता है। 12 ग्राम गेहूं रात को 1 गिलास में पानी में भिगो दें। प्रातः छानकर उस पानी में 25 ग्राम मिश्री मिलाकर पीने से पेशाब की जलन दूर होती है। अगर आपके जहन में कोई सवाल या परामर्श हो तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।